हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी गर्ल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं भूतनाथ मार्केट, जो कि लड़कियों के कलेक्शन के लिए काफ़ी फेमस है और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंडी और यूनिक सी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो चलिए मेरे साथ और दिखा देते हैं वहाँ चल के हम कि वहाँ क्या क्या है खास। सो मेरे चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं भूतनाथ मार्केट में, बाय। सो फ्रेंड्स, अब हम भूतनाथ मार्केट पहुंच चुके हैं। ये जो इसका एड्रेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, सो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे ही हमने एंटर किया, यहाँ कुछ इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिली। होम डेकोर की काफ़ी अच्छी चीज़ें थी और काफ़ी यूनिक सी थी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं ये सारी चीज़ें। और यहीं बुके वगैरह का स्टॉल था और फिर उसके जस्ट बगल में इस टाइप की बहुत सारी आपको जो चीनी मिट्टी होती है उसके बहुत सारे प्लेट्स वगैरह हैं, बाउल्स हैं और होम डेकर का सामान है वो मिल जाएगा, कप मग वगैरह बहुत सारी चीज़ें। और प्राइस भी इनका काफ़ी ठीक था। अगर आपको बार्गेनिंग करनी आती है तो आप इन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे दामों में परचेज़ कर सकती हैं। सो ये देखिए कितना अच्छा कलेक्शन है इनके पास, कप वगैरह का बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी है। सो आगे की तरफ आपको ये स्टॉल का बहुत बड़ा स्टॉल टाइप दिख जाएगा दुपट्टे का। ये देखिए प्लाजोज वगैरह यहाँ आपको मिल जाएंगे चिकनकारी वाले और सिंपल में भी। यहाँ देखिए ये भी होम डेकर का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। अभी राखें आने वाली थी तो यहाँ मतलब थोड़ी अलग अलग चीज़ें थी जो कि आपको वैसे तो ये जो मार्केट है डेली लगता है, लेकिन अभी इस टाइम आपको रक्षाबंधन की वजह से बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देखने के लिए मिल जाएंगी। ये देखिए जैसे कि ये काफ़ी अच्छे थे, इनका प्राइस भी 250 से 350 था। और यहाँ देखिए ये टॉप का काफ़ी अच्छा स्टॉल था। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो टॉप थे ऑनलाइन आपको काफ़ी महंगे मिलेंगे। ये देखिए कितना सुंदर टॉप था और सबसे बड़ी बात इसमें लाइनिंग साथ थी। तो ये था 250 रुपीज़ का, काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसमें कई कलर थे। और ये देखिए ये टॉप भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसको शॉर्ट्स वगैरह पे कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। कलर भी इसका थोड़ा ब्राइट था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये। उसके बाद आपको चूड़ियों की बहुत अच्छी वैरायटी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं इनके पास, 50 रुपीज़ से 400 रुपीज़ में काफ़ी अच्छे बैंगल्स हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर बैंगल्स हैं, ये देखिए कांच में प्लास्टिक में। फिर हम थोड़े आगे चले और यहाँ हमने देखा जूती वगैरह जो होती है बेलीज वगैरह उसकी शॉप थी। तो ये जो सारे जितने भी इनके पास थे स्लीपर्स सैंडल्स वगैरह वो 200 रुपीज़ के थे सारे, कोई भी आप परचेज़ कर सकते हैं 200 रुपीज़ में, जिसमें कि हील्स में थे काफ़ी और फ्लैट में भी थे। ये देखिए कितना सुंदर कलेक्शन है इनके पास। ये देखिए ये वाली बेली तो काफ़ी अच्छी लग रही थी और एकदम यूनिक सी थी। उसके बाद आपको ये पर्स बैग्स वाली काफ़ी अच्छी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ आप अच्छे खासे दामों में ये जो साइड वाले बैग होते हैं स्लिंग बैग उनको परचेज़ कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे दिखने में और ये इस टाइप के यहाँ बैग थे, ये भी 150 से 500 रुपीज़ इनके पास थे। ये बेल्ट थी जो आजकल काफ़ी चल रही हैं। उसके बाद आपको राखी की वजह से इस टाइप की बहुत सारी बड़ी बड़ी दुकानें मिल जाएंगी देखने के लिए और राखी की बहुत सारी वेराइटी थी। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन थी, बच्चों के पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छी राखी थी, फैंसी राखी और सिंपल राखी, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। ये देखिए बहुत ही अच्छी वैरायटी थी इनके पास भी राखी में भी। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमें यहाँ नाइटी और गाउन वगैरह का मैक्सी वगैरह का ये स्टॉल दिखा, इनके पास भी काफ़ी अच्छी खासी मैक्सी थी। तो इनके पास ये 150 से 400 रुपीज़ में थी जो नाइटी थी, काफ़ी अच्छी थी, कॉटन में थी और सबका जो डिज़ाइन था
अलग अलग था और काफ़ी कलर थे इनके पास, सबसे बड़ी बात ये। तो चलिए अब हम आपको दिखा देते हैं एक आध नाइटी इसमें से निकलवा कर कि कैसी थी। सो पहले आप इस तरह देख लें, उसके बाद दिखा देंगे ये भैया। ये देखिए इस तरह की ये पॉकेट वाली काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसके बाद ये देखिए इसका कपड़ा काफ़ी हटके था, ये 200 रुपीज़ 250 ऐसी थी सारी जो मैक्सी थी। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसके बाद ये आपको इन्हीं का जो स्टॉल था उसके जस्ट बगल में ये बच्चों का छोटा सा शॉप दिख जाएगा, और यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छे और आप मोबाइल कवर्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं। उसके जस्ट पीछे आपको ये हेयर एसेसरीज़ और नेकलेस इयररिंग्स वगैरह वाली बहुत बड़ी दुकान देखने के लिए मिल जाएगी। आप देख सकते हैं बच्चों के पर्पज़ से कितनी अच्छी यहाँ हेयर बैंड हेयर क्लिप्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी इनके पास। ये देखिए क्लचर वगैरह, और अभी सीक्वेंस काफ़ी चल रहा है तो इनके पास उसमें काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन था। ये देखिए कहते हैं ना एकदम भरमार थी इनके पास हेयर एसेसरीज़ की, देखिए, और सारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, जैसे सीन वगैरह पे दिखाते हैं उस टाइप की काफ़ी अच्छी आप इनके पास हेयर पिंस वगैरह से थे। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको थोड़ा कैमरे को इधर की साइड करके, ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। और सबका प्राइस भी ऐसे ही था, 100 रुपीज़ 250 रुपीज़, जैसा जिसका डिज़ाइन था वैसा था। आप चाहें तो बार्गेनिंग करके इसको थोड़ा सस्ते में भी परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए हेयर बैंड 40 रुपीज़ ईच था और काफ़ी अच्छा था, इसमें भी काफ़ी हैवी थे जो हेयर बैंड थे, सीक्वेंस वाले थे, टैडीज़ वाले थे, काफ़ी क्यूट क्यूट हेयर बैंड थे इनके पास। पोलका डॉट्स में भी काफ़ी अच्छे थे और बहुत सारे कलर थे। उसके बाद हम थोड़ा आगे चले, ये देखिए ये अभी 15 अगस्त था तो उसकी वजह से आपको फ्लैग वगैरह भी दिखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए 70 वाले का 50 आपका ही फ़ायदा, सभी डिफरेंट ईयरिंग वगैरह मिल जाएगी काफ़ी अच्छी, और सबका प्राइस 50 रुपीज़ था और बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा डिज़ाइन था। इससे पहले जब हम गए थे तो यही जो रिंग्स थी वो 70 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की थी, लेकिन अभी ये भैया सारी 50 रुपीज़ में ही दे रहे थे। ये देखिए बहुत सुंदर सुंदर, काफ़ी हैवी रिंग थी। आप ऐसे मार्केट से कहीं से बाहर से परचेज़ करेंगे, ऑनलाइन भी परचेज़ करेंगे, सो 200 to 250 से कम नहीं मिलेगी। ये देखिए काफ़ी हटके थी, इस पर कुछ लिखा हुआ था ये देख सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी हटके लग रही थी। देखिए इस तरह की मार्केट है, रात के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए और उसके बाद ये देखिए इयर रिंग्स 100 रुपीज़ ईच, देखिए कितने सुंदर सुंदर इनके पास इयर रिंग्स है, काफ़ी हैवी थे। ये देखिए इस तरह के आपको बहुत सारे स्टॉल मिल जाएंगे और सबके पास जो डिज़ाइन थी वो अलग अलग मिल जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर इयर रिंग्स हैं और 100 रुपीज़ में तो काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए बहुत ज़्यादा हैवी, आप गले वगैरह में कुछ ना पहने, नेकलेस वगैरह केवल ये इयर रिंग्स वेयर कर लेंगे उससे भी आपकी जो ड्रेस है उसका काफ़ी हैवी लुक आने वाला है। और उसकी जैसे ये मार्केट थी उसके जस्ट पीछे आपको खाने पीने का काफ़ी सामान मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट थे। ये देखिए ये इनकी दुकान काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इनके पास बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बहुत यूनिक सी डिज़ाइन की ड्रेसेस थी और प्राइस भी काफ़ी सही था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आप प्राइस कम भी कर सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस हैं। सो चलिए एक आध ड्रेस हम आगे चल के देख लेते हैं कि कैसी है, तभी आपको पता लग पाएगा, ऐसे दूर से नहीं पता लगेगा, वैसे तो आप बस ऐसे ही देख पाएंगे। ये देखिए लेपर्ड में प्रिंट में काफ़ी अच्छे, ये टॉप वगैरह काफ़ी लड़कियों का कलेक्शन था तो काफ़ी लड़कियों की ही भीड़ थी। ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ड्रेस है, और ये जो ड्रेस थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसमें 3 से 4 कलर थे, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। इसकी प्राइस की बात करूँ तो था 650 रुपीज़, बार्गेनिंग करके ये आपको काफ़ी सही प्राइस में मिल सकती है। देखिए एक ये कलर था वाइन कलर, तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था,
बहुत सारी ड्रेसेस थी इनके पास, आप टॉप वगैरह देख सकते हैं बैग में। ये देखिए यहाँ बाहर, ये 200 रुपीज़ का था टॉप, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इनके पास भी बहुत अच्छे लाइट कलर में टॉप थे और शॉर्ट्स वगैरह भी थी। ये देखिए कितना प्यारा टॉप है ये, इसका भी प्राइस 200 रुपीज़ था। ये टॉप थोड़ा कॉस्टली था, 300 रुपीज़ का था, क्योंकि आपको दिख ही रहा होगा इसके डिज़ाइन से ये कैसा है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है जहाँ मार्केट एंड होती है वहाँ लिखा भी हुआ है। मेट्रो स्टेशन से जाएंगे तो ये यहाँ से एंटर है, और वैसे अपने व्हीकल से जाएंगे तो ये आपको लास्ट में दिखेगा। यहाँ आपको आप बैग का काफ़ी कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। ये ड्रेस आप देख सकते हैं ऑनलाइन काफ़ी महंगी मिलेगी, अभी अप्रॉक्सीमेट 600 रुपीज़ की इन्होंने बताई थी, तो आप बार्गेनिंग करके थोड़ा कम में ले सकते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी ड्रेसेस हैं, ये प्लाजो सेट वगैरह, और अंदर की साइड भी काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस थी इनके पास। ये देखिए ऑफ शोल्डर, और ये बलून्स वाली जो स्लीव्स होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी ड्रेसेस। उसके बाद ये देखिए आप चिकनकारी की भी कुर्ती यहाँ आपको मिल जाएंगी, तो ये देखिए कितना सुंदर इसका भी कलेक्शन है। ये देखिए और नीचे जाके बेसमेंट में काफ़ी बड़ी इनकी शॉप है, तो आप यहाँ से पसंद आता है यहाँ देख सकते हैं, और अंदर जाके भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, वहाँ जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और देख लेते हैं कुछ और। ये देखिए आपको राजस्थानी स्कर्ट होती हैं वो, और शरारा जो होते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे। ये 350 रुपीज़ का था, तो इनका जो प्राइस था वो फिक्स था, और वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद ये ट्राउज़र्स वगैरह, फिर से आपको ये मैक्सी वगैरह नाइटी वगैरह मिल जाएगी देखने के लिए। और इसके बाद ये हमने कुर्ती देखी चिकनकारी में ही, तो ये भी काफ़ी अच्छी थी, ये कॉटन में थी, तो इसका प्राइस था 250 रुपीज़। तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, इसकी स्लीव्स थी उसको पूरे पे वर्क था। ये देखिए फ्लैग आपको मिल जाएगा, तो 15 अगस्त के बाद तो नहीं मिलेगा, 15 अगस्त तक ही मिलेगा। इस टाइप की दुकान है क्योंकि उसी वजह से ये दुकानें लगाई हुई हैं। इसके बाद आपको कॉटन में कुछ इस तरह के टॉप वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, सिंपल होते हैं और अच्छे लगते हैं। इसका भी प्राइस 250 रुपीज़ था। तो इसके बाद थोड़ा आगे चल के हम और कुछ देख लेते हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ हो गई थी धीरे धीरे, ये आपको इस तरह के बहुत सारे रिंग वाले स्टॉल मिल जाएंगे इयरिंग्स के। ये देखिए फिर से राखी वगैरह की काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई थी, बहुत अच्छा कलेक्शन था, ब्रेसलेट वगैरह थे देख सकते हैं आप। तो आप ये देखिए बच्चों के टॉयज़ वगैरह के लिए भी काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें थी यहाँ, काफ़ी अच्छे प्राइस में आपको टॉयज़ वगैरह मिल जाएंगे बच्चों की। देखिए कितने सुंदर सुंदर, मैं इतना दूर से नहीं दिख पा रहा है। तो ये देखिए ये सॉफ्ट टॉयज़ की दुकान थी, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज़ थे। ये देखिए मोटू पतलू की जोड़ी कितनी क्यूट लग रही है, और उसके बाद ये देखिए किटी है आपका, और आप बगल में देख रहे हैं ट्यूटी है, ये डॉल है, कितने सुंदर सुंदर सॉफ्ट टॉयज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, डॉल थी काफ़ी अच्छी अच्छी इनके पास। उसके जस्ट बगल में आपको प्लास्टिक के टॉयज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छे थे, ये सभी टॉयज़ चलने वाले थे, इनका भी प्राइस काफ़ी सही था, 100 रुपीज़ टू 200 रुपीज़ जैसा चलने वाला था उस टाइप का। और फिर आगे आपको इस तरह की मिल जाएगी तुलसी वगैरह लगाने के लिए, और यहाँ आपको प्लांट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे काफ़ी सारे, बहुत ही अच्छे अच्छे। ये देखिए और हैंगिंग वाले जो पॉट्स होते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, भी काफ़ी चल रहे हैं, आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन आपको थोड़े सही प्राइस में मिल जाएंगे, यही बात है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।